कपिलवस्तु के राजकुमार देवदत्त के बाढ़ से घायल हंस को राजकुमार सिद्धार्थ द्वारा बचाने के बाद उनके साथ चले जाने की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। ऐसी भी कहानियां सुनी होंगी जिसमें दोस्ती की मिसाल दी जाती है, लेकिन यूपी के अमेठी के गौरीगंज में ये कहानी हकीकत बन चुकी है। यहाँ साल भर पहले घायल एक सारस को बचाने वाले आरिफ से उस सारस की ऐसी दोस्ती हुई कि अब वह सारस उनके साथ घर में ही रहने लगा है। लोग दोनों की इस जुगलबंदी पर हतप्रभ हैं और अलग अलग तरह से कयास लगा रहे हैं। दरअसल दोनों की दोस्ती साल 2022 से है। गौरीगंज के मंडखा गांव के रहने वाले किसान आरिफ अपने खेतों की ओर गए हुए थे। वहां पर उन्होंने एक सारस पक्षी को देखा जिसका पैर टूटा हुआ था। नजदीक जाने पर सारस पक्षी भागा नहीं बल्कि कातर निगाहों से आरिफ की ओर देखने लगा। जब हम खेत में गए हुए थे तो ये आके वहाँ पे गिरा हुआ था, इसका पैर एकदम टूटा हुआ था, एक राइट वाला वो एकदम टूटा हुआ था। तो इसको हम घर लेकर आए, इसका दवा इलाज किए, उसके बाद धीरे धीरे जब पैर सही होने लगा, जब ये उड़ने की कोशिश करने लगा, एकदम सही हो गया, तो हमको लगा ये उड़ के चला जाएगा फिर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पर ये गया नहीं, फिर मेरे साथ रहने लगा। ऐसे में आरिफ उसे उठाकर अपने घर लाए। उन्होंने पक्षी की मरहम पट्टी की और इलाज करके उसे ठीक कर दिया। आरिफ और उनके परिजनों को उम्मीद थी कि सारस ठीक होने के बाद उड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरिफ की सेवा ने सारस पक्षी का ऐसा दिल मोहा कि वह उनके घर के आसपास ही रहने लगा। तब से लेकर अब तक आरिफ का परिवार ही सारस का परिवार बन गया है और सारस उस परिवार का अभिन्न हिस्सा। जहां जहां आरिफ जाते हैं सारस उनके साथ साथ जाता है, वह उनके साथ ही भोजन करता है और साथ ही रहता है। इतना ही नहीं, जब वे अपनी बाइक से बाजार जाते हैं तो सारस उड़ते हुए उनका साया बनकर साथ साथ चलता है। के सामने से हम बाइक लेके निकलेंगे तो मेरे साथ चला जाएगा, फिर कितनी दूर हम जाएंगे। अगर हमको बाहर जाना रहता है बाइक से तो हम अपनी बाइक किसी दूसरे पर्सन से मंगा के तो साइड से निकल जाते हैं, हम बाइक इसके सामने नहीं लेकर जाते। दुकान पर सामान खरीदते हैं तो सारस बगल में खड़ा रहता है। ऐसा देखकर लोगों को आश्चर्य भी होता है, लेकिन धीरे धीरे सभी इस दोस्ती से वाकिफ हो जा रहे हैं। आरिफ के साथ ही सारस उनके माता पिता, पत्नी और बच्चों से भी घुल मिल गया है। मोहम्मद आरिफ कहते हैं, कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, लेकिन अब इस सारस से दोस्ती का रिश्ता बन गया है। यह 20 किलोमीटर तक मेरे साथ जाता है, मेरे साथ रहता है, अब यह मेरा हमसफर है और सच्चा दोस्त। सारस और आरिफ की यह दोस्ती मंडवाखाओं के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है।